जैसा कि आपको पता है कि हम एंकलेक्स बेस्ड क्वेश्चंस का एक सीरीज कर रहे हैं, 1000 टोटल क्वेश्चन हम जिसमें करेंगे, तो उसमें आज का हमारा 11वां सेशन है। और फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम अभी करेंगे, वो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द डॉक्टर इज प्रिपेयरिंग टू रिमूव चेस्ट ट्यूब फ्रॉम द क्लाइंट्स लेफ्ट चेस्ट। इन प्रिपरेशन फॉर द रिमूवल द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू, यानी कि एक पेशेंट है जिसको चेस्ट ट्यूब लगा हुआ है और उसका चेस्ट ट्यूब डॉक्टर रिमूव कर रहा है, तो इस चेस्ट ट्यूब को रिमूव करने के लिए नर्स क्या प्रिपेयर करेगी, या नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू, नर्स पेशेंट को क्या बोलेगी। ब्रीथ नॉर्मली, होल्ड हिज ब्रीथ एंड बियर डाउन, टेक ए डीप ब्रीथ, स्नीज ऑन कमांड। यानी कि ब्रीथ नॉर्मली जैसे नॉर्मल ब्रीथ कर रहा है वैसे करेगी, या होल्ड हिज ब्रीथ एंड बियर डाउन, या पेशेंट को बोलेगी कि आपने होल्ड को ब्रीथ को होल्ड कीजिए और बियर डाउन डाउन वाली साइड में फोर्स लगाइए, जैसे कि हम वाल्सेल्वा मैनूवर में करते हैं, वाल्सेल्वा मैनूवर में जैसा हम करते हैं ऐसा करने के लिए बोलेगी, या टेक ए डीप ब्रीथ या डीप ब्रीथ लेने के लिए बोलेगी, स्नीज ऑन कमांड, या जब पेशेंट या डॉक्टर बोल नर्स या डॉक्टर जब बोलेगा तब पेशेंट को छींकने के लिए बोलेगी। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जब हम चेस्ट ट्यूब रिमूवल कर रहे हैं तो चेस्ट ट्यूब रिमूवल जब हम करेंगे तो वो जो रिमूवल करने के बाद में जो होल हमने जो किया हुआ है, जहाँ से इंसर्ट कराया हुआ है, वहाँ से एयर बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जा सकती है। इससे क्या होगा, अंदर और बाहर एयर के एक्सचेंज होने से जो चेस्ट हमारी है उसमें जो प्रेशर का जो एक्सचेंज है, या जो प्रेशर जो है वो चेंज हो जाएगा, और हमें इस प्रेशर को चेंज होने से रोकना है। इसीलिए जब हम चेस्ट ट्यूब रिमूवल करते हैं तो पेशेंट को रिमूवल ट्यूब रिमूवल करने के बाद में हम वहाँ पे ऑक्लूजिव ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं, ऑक्लूजिव ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं, और ऑक्लूजिव ड्रेसिंग का पर्पज़ ये है कि वो उस एरिया को इस तरह से ऑक्लूड कर दे कि वहाँ पे प्रेशर में एक्सचेंज, या जो प्रेशर नॉर्मल प्रेशर है उसमें चेंज नहीं हो पाए। तो नॉर्मल चेंज क्या हो पाएगा, यानी कि जब वाल्सेल्वा मैनूवर या हम पेशेंट को ब्रीथ नॉर्मली ये करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि नॉर्मल ब्रीथ करने पे पेशेंट के अगर इनहेल और एक्सहेल दोनों कर रहा है तो प्रेशर चेंज होगा, और हमारा पर्पज है कि जो प्रेशर है वो चेंज नहीं हो। टेक ए डीप ब्रीथ लेंगे तो भी प्रेशर चेंज होगा, स्नीज ऑन कमांड, स्नीजिंग करने से भी चेस्ट का या थोरेक्स में जो प्रेशर है उसमें चेंज आएगा, इसलिए हम तीन ऑप्शन एक्सक्लूड कर देंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही होगा। होल्ड हिज ब्रीथ एंड बियर डाउन, हम पेशेंट को बोलेंगे कि जब हम चेस्ट ट्यूब रिमूव कर रहे हैं तो आप पेशेंट को होल्ड हिज ब्रीथ, अपने सांस को रोकने के लिए आप बोलेंगे, एंड बियर डाउन, और एब्डोमिनल इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ाते हुए डाउन वाली साइड में, जैसा कि हम डेफिकेशन के टाइम पे करते हैं ऐसे प्रेशर लगाने के लिए बोलेंगे, इसको हम वाल्सेल्वा मैनूवर भी बोलते हैं। तो जब हम ये जब चेस्ट ट्यूब को रिमूव कर देंगे तो चेस्ट ट्यूब रिमूव करने के बाद में वहाँ पे हम ऑक्लूजिव ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे, और ऑक्लूजिव ड्रेसिंग अप्लाई करने से क्या होगा कि जो प्रेशर चेंज जो है उससे प्रिवेंट किया जा सकता है, और ड्रेसिंग को अप्लाई कर देंगे और ड्रेसिंग जो होगी वो ऑक्लूजिव ड्रेसिंग होगी, इसलिए हम बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नर्स आइडेंटिफाइज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ऑन द हार्ट मॉनिटर, विच एक्शन शुड द नर्स प्रिपेयर टू टेक। एक पेशेंट है जिसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है, मॉनिटर में नर्स ने देख लिया है, विच एक्शन शुड द नर्स प्रिपेयर टू टेक, नर्स अभी क्या करेगी, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है एडमिनिस्टर एट्रोपिन सल्फेट, सेकेंड वन इज चेक द पोटेशियम लेवल चेक करेगी, एडमिशन एंटी अरिथमिक मेडिकेशन सच एज लिडोकेन, या डिफेब्रिलेट एट 360 जूल। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के बारे में हमने पहले भी बताया था, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के केस में ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो लिडोकेन होती है, लिडोकेन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के केस में ड्रग ऑफ चॉइस लिडोकेन होती है। लिडोकेन क्या है, एक एंटी अरिथमिक मेडिकेशन है, एंटी अरिथमिक मेडिकेशन लिडोकेन ड्रग ऑफ चॉइस इन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो जब भी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया पेशेंट को होगा तो हम उसको लिडोकेन देंगे, तो लिडोकेन की बात यहाँ पे सी ऑप्शन में की गई है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। एडमिनिस्टर एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट से जो हार्ट है उसकी कॉन्ट्रैक्शन पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए हम उसको एट्रोपिन सल्फेट नहीं देंगे। चेक द पोटेशियम लेवल हम चेक करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन हमारा पोटेशियम लेवल चेक करना नहीं होगा, क्योंकि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के पेशेंट में हमें सबसे पहले पेशेंट को नॉर्मल करना जरूरी है, ब्लड वैल्यू या जो इन्वेस्टिगेशन है जो लैब टेस्ट है जो हम बाद में भी कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन था डिफेब्रिलेट एट 360 जूल, 360 जूल पे डिफेब्रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अगर डिफेब्रिलेट करना भी होगा तो हम 200 जूल से स्टार्ट करेंगे, ना कि डायरेक्टली 360 जूल, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा।
और डिफिब्रिलेट के लिए डॉक्टर ऑर्डर देगा ना कि नर्स अपनी तरफ से एक्शन लेगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बिकॉज लिडोकाइन इज द एंटी एरिथमिक मेडिकेशन और दैट्स वाई ड्रग ऑफ चॉइस इज लिडोकाइन फॉर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट इज बींग मॉनिटर्ड यूजिंग अ सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटर, इफ द प्रेशर इज 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर द नर्स शुड, यानी कि एक पेशेंट है जिसका सेंट्रल वेनस प्रेशर CVP सेंट्रल वेनस प्रेशर हम मेजर कर रहे हैं, जब सेंट्रल वेनस प्रेशर हम मेजर कर रहे हैं तो सेंट्रल वेनस प्रेशर में नर्स को मिला है कि सेंट्रल वेनस का प्रेशर 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है, तो व्हाट द नर्स शुड डू, नर्स क्या करेगी, कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, डॉक्टर को बुलाएगी, स्लो द इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, पेशेंट को इन्फ्यूजन चल रहा है उसको स्लो कर देगी, लिसन टू द लंग्स फॉर रेल, लंग्स की साउंड को सुनेगी, एडमिनिस्ट्रेट डायूरेटिक या पेशेंट को एक डायूरेटिक मेडिकेशन देगी, बताइए इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। देखिए सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है वो नॉर्मल रेंज की अगर बात करें तो 3 to 8 mm ऑफ HG होता है, नॉर्मल सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है 3 to 8 mm ऑफ HG होता है। सेंट्रल वेनस प्रेशर का मतलब है द प्रेशर इन द सुपीरियर वेना केवा, प्रेशर इन द सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा में जो प्रेशर है, यानी कि जो भी फ्लूड, जो ब्लड पेरिफेरल लिम्स से और दूसरी एक्सट्रीमिटीज से, यानी कि पेरिफेरल एरिया से जो कलेक्ट होकर के सुपीरियर वेना केवा में जो ब्लड आ रहा है हमारे पास में, उसका क्या प्रेशर है उसको हम सेंट्रल वेनस प्रेशर बोल रहे हैं, और सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है जो प्रेशर इन द सुपीरियर वेना केवा, तो नॉर्मल रेंज जिसकी है 3 to 8 mm ऑफ HG। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रेशर इन द, प्रेशर इज 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, वाटर में अगर बात करें तो 1 mm HG इज इक्वल टू 1.3 सेंटीमीटर ऑफ H2O, यानी कि 1 mm HG जो है वो 1.3 cm ऑफ H2O के बराबर में होता है। तो जो 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है या 2 सेंटीमीटर ऑफ H2O जो प्रेशर है सेंट्रल वेनस प्रेशर का, वो एक कम प्रेशर है, यानी कि नॉर्मल रेंज से कम प्रेशर है, इसलिए इस एक्शन में नर्स क्या करेगी इस कंडीशन में। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में है, कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, स्लो द इन्फ्यूजन रेट, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, देखिए इंट्रावीनस इन्फ्यूजन जो फ्लूड उसको पेशेंट को चल रहा है, अगर सेंट्रल वेनस प्रेशर है तो इसका मतलब है कि पेशेंट में कहीं ना कहीं ब्लड वॉल्यूम कम है, या तो ब्लड लॉस हो गया है, या पेरिफेरल लिम्ब से जो ब्लड आ रहा है वो वापस मैक्सिमम आ नहीं पा रहा है जितना आना चाहिए नॉर्मल, यानी कि यहाँ पे फ्लूड की कमी हो रही है, हाइपोवोल्यूमिया यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, तो इन्फ्यूजन रेट को स्लो नहीं करेंगे बाकि उसको बढ़ाएंगे, ताकि जो पेरिफेरल लिम्ब से या पेरिफेरल सर्कुलेशन के थ्रू जो ब्लड आएगा वो बढ़ करके आए ना कि कम होके। लिसन टू द लंग्स फॉर रेल्स, ये साउंड लंग्स में सुनी जाएगी, यहाँ पे ये ऑप्शन इसलिए गलत होगा क्योंकि ये जब हार्ट कंजेशन होता है या फ्लूड ओवरलोड हो जाता है उस टाइम पे देखने को मिल सकती है, ना कि जब फ्लूड की कमी है हमारी बॉडी में तब देखने को मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेट डायूरेटिक, डायूरेटिक मेडिकेशन डॉक्टर के ऑर्डर पे देगी, और डायूरेटिक भी पेशेंट को देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर प्रेशर सेंट्रल वेनस प्रेशर कम आ रहा है इसका मतलब पेशेंट में पहले फ्लूड हाइपोवोल्यूमिया हो रखा है, तो जब अगर हाइपरवोल्यूमिया है तो हम पेशेंट को डायूरेटिक दे सकते हैं, हाइपोवोल्यूम की कंडीशन में हम डायबिटिक नहीं देंगे, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा। कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, नर्स यहाँ पे फर्स्टली डॉक्टर को बुलाएगी, ये यहाँ पे इसका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा अगर पेशेंट का सेंट्रल वेनस प्रेशर 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से कम आ रहा है तो। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज इवेल्युएटिंग द क्लाइंट्स एट पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, द नर्स इज इवेल्युएटिंग द क्लाइंट्स पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, द नर्स इज अवेयर दैट दिस टेस्ट विल इवेल्युएट, यानी कि एक पेशेंट है जिसका पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर चेक कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि द नर्स इज अवेयर दैट पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर से क्या पता लगेगा, प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, द सिस्टोलिक डायस्टोलिक एंड मीन प्रेशर ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, द प्रेशर इन द पल्मोनरी वेन्स, द प्रेशर इन द राइट वेंट्रिकल। देखिए पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जब भी चेक किया जाता है तो उसमें हम एक कैथेटर होता है स्वांज गैंग कैथेटर, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर को चेक करने के लिए स्वांज गैंग कैथेटर का यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्रेशर इन लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जो है उसमें हम पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मेजर करने से लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर नहीं पता कर सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा क्योंकि जो प्रेशर है लेफ्ट वेंट्रिकल में वो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन था द सिस्टोलिक डायस्टोलिक एंड मीन प्रेशर ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी,
सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और मीन प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी में जो है वो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर जब हम मेजर करते हैं तब हमें पता लगेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जब हम पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मेजर कर रहे हैं इसका मतलब है कि पल्मोनरी आर्टरी में जो सिस्टोलिक प्रेशर है, जो डायस्टोलिक प्रेशर है और जो मीन प्रेशर है वो हमें पता लगेगा। तो ये हमारा मेन पर्पज़ है पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर चेक करने का, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सी ऑप्शन था प्रेशर इन द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में जो प्रेशर है उसको हम पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मेजर करने से नहीं पता कर सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा। लास्ट ऑप्शन था प्रेशर इन द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के प्रेशर में, राइट वेंट्रिकल में जो प्रेशर है वो हमारा पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। यानी कि जब भी हम पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो जो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर है उसमें हम क्या मेजर करते हैं, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और मीन प्रेशर ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी। और अगर यहाँ पे बात की जाए कि पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर क्या होता है, तो पल्मोनरी आर्टरी का नॉर्मल प्रेशर जो है वो 15 से 26 mmHg होता है। पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर 15 से 26 mmHg होता है। और अगर मीन प्रेशर की बात की जाए तो मीन प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी का जो है वो होता है 60 to 70 mmHg। यानी कि ये प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी का ऑर्गन परफ्यूजन के लिए, सभी ऑर्गन हमारा परफ्यूजन हो, सभी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई हो, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट की सप्लाई हो, इसके लिए अगर नॉर्मल प्रेशर की बात की जाए तो 60 to 70 mmHg होना चाहिए, जिसको मीन प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। और अगर पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर की बात की जाए तो 15 to 26 mmHg होता है। और पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर हम स्वांज गैंग कैथेटर की हेल्प से मेजर करते हैं। पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और मीन प्रेशर ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी बताता है। यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड एट्रोपिन सल्फेट 0.4 mg IM बिफोर सर्जरी। द मेडिकेशन इज सप्लाइड इन 0.8 mg per ml। द नर्स शुड एडमिनिस्टर हाउ मैनी ml ऑफ द मेडिकेशन। देखिए, एक पेशेंट है जिसको एट्रोपिन सल्फेट लगना है और डॉक्टर ने बोला है 0.5 mg IM देना है सर्जरी से पहले, लेकिन आपके पास में जो मेडिसिन है वो एक वाइल में है, उस वाइल में 0.8 mg per ml में है, लेकिन आपको देना है कितना, 0.4 mg। यानी कि 1 ml में 0.8 mg है और आपको देना है 0.4 mg, तो आप कितना मेडिसिन पेशेंट को देंगे वो यहाँ पे पूछा गया है। 0.25 ml, 0.5 ml, 1 ml और 1.25 ml। देखिए 1 ml तो यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि 1 ml में तो कितना है, 0.8 mg। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। 1.25 ml क्योंकि हमें देना 0.4 है और 1 ml में 0.8 है, और हम उस 1 ml का अगर 50% यानी कि 0.5 ml अगर पेशेंट को दे दें तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि अगर 1 ml में 0.8 है तो आधे ml में यानी कि हाफ ml में 0.4 mg होगा, और 0.4 mg ही हमें देना है तो हम 0.5 ml मेडिसिन लेंगे। या एक फॉर्मूला हमारे पास में होता है D/A/Q, डिजायर्ड अमाउंट अपॉन अवेलेबल अमाउंट इंटू क्वान्टिटी। डिजायर्ड अमाउंट हमारे पास में कितना था, 0.4, और अवेलेबल अमाउंट हमारे पास में कितना है, 0.8। यानी कि हमारे पास 0.8 वाला मेडिसिन है और हमें देना है 0.4 वाला है, इनटू क्वांटिटी। इनटू क्वांटिटी का मतलब कि अवेलेबल अमाउंट जो है वो कितना और कितने ml में है, 0.8 mg per ml। यानी कि 1 ml में हमारे पास 0.8 mg अवेलेबल है लेकिन हमें देना 0.4 है। डिजायर्ड अमाउंट हमारा 0.4 है, अवेलेबल 0.8 है और क्वान्टिटी कितना है, 1 ml, 1 ml में 0.8 mg। तो यहाँ को हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो 4/8 × 1 हो जाएगा, 1/4 × 1। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो 0.5 ml जो ऑप्शन है हमारा, ये हाफ ml आने की वजह से 0.5 ml हम पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए क्लाइंट विद एन एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म इज एडमिटेड इन प्री प्रिपरेशन फॉर सर्जरी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर। यानी कि एक पेशेंट है जिसको एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म है, ये एक एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म यानी कि एओर्टिक, एओर्टा जो है एब्डोमिनल वाले एरिया में उसमें एनोरिज्म हो रखा है, उसका सैक बन गया है या एनलार्ज हो गई है आर्टरी, एब्डोमिनल एओर्टा, और एडमिट है पेशेंट सर्जरी के लिए, वहाँ पे क्या हो रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर। इनमें से कौन सा फाइंडिंग है जिसको आप डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे। फर्स्ट है एन एलिवेटेड WBC काउंट एंड एब्डोमिनल ब्रूट नेगेटिव बाउंस की रिफ्लेक्स पुपिल्स नेट आर इक्वल एंड रिएक्टिव टू लाइट। देखिए, पुपिल्स जो है अगर वो इक्वल है और रिएक्टिव टू लाइट है तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इसको हम नॉर्मल प्रोसेस को डॉक्टर को रिपोर्ट नहीं करेंगे।
ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है ए नेगेटिव बाबिन्स की रिफ्लेक्ट। एक नेगेटिव बाबिन्स की रिफ्लेक्ट जो है वो भी एक नॉर्मल होता है, बाबिन्स की रिफ्लेक्ट पॉजिटिव या बाबिन्स की रिफ्लेक्ट जो है वो अप टू 2 ईयर्स ऑफ एज, 2 साल तक के बच्चे में देखने को मिलता है। 2 साल के बाद में बाबिन्स की रिफ्लेक्स जो है वो डिसअपियर हो जाता है, और अगर 2 साल के बाद में भी ये किसी में प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि उसकी कॉर्टिको स्पाइनल इंजरी हो रखी है या कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट उस पेशेंट का या कैंडिडेट का इंजर्ड है। अगर 2 ईयर्स के बाद में बाबिन्स की रिफ्लेक्स देखने को मिल रहा है इसका मतलब है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का इंजरी हो रखा है पेशेंट को या कैंडिडेट को, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव बाबिन्स की रिफ्लेक्स जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन होगी, यानी कि बाबिन्स की रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है क्योंकि पेशेंट एक एडल्ट पेशेंट हो चुका है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। बाबिन्स की रिफ्लेक्स क्या होता है? बाबिन्स की रिफ्लेक्स 2 साल तक के बच्चे में देखने को मिलता है, उसमें हम पेशेंट की सोल में, सोल के लेटरल वाली साइड में, पैर के सोल में लेटरल वाली साइड में डाउनवार्ड से अपवार्ड की तरफ स्ट्रोक करते हैं, हील से अपवार्ड की तरफ, तो पेशेंट के जो ग्रेट टो है, जो पैर के अंगूठा है ग्रेट टो है, उसका डोर्सीफ्लेक्शन होगा और बाकी के जो 4 टोए हैं उनका प्लांटर फ्लेक्शन होगा। तो ये एक नॉर्मल है अप टू 2 ईयर्स तक, यानी कि 2 साल तक के बच्चे में बाबिन्स की रिफ्लेक्स प्रेजेंट, 2 साल तक के बच्चे में बाबिन्स की रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है, तो ये यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो ये भी नॉर्मल हुआ। एंड एब्डोमिनल ब्रूट, ब्रूट एक तरह का एबनॉर्मल साउंड है, एब्डोमिनल साउंड है। ये एब्डोमिनल ब्रूट कब सुनने को मिलेगा आपको? जब पेशेंट को एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म है तो आपको एब्डोमिनल ब्रूट सुनने को मिलेगा, इसलिए ये भी एक नॉर्मल हुआ क्योंकि आपको पता ही है पहले से कि एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म पेशेंट को है तो पेशेंट में एब्डोमिनल ब्रूट सुनने को मिलेगा। तो हमें क्या बताना है? विच इज द रिपोर्ट टू द डॉक्टर, आप डॉक्टर को वही बताएंगे जो गलत है। क्या गलत है यहाँ पे? एन एलिवेटेड WBC काउंट, पेशेंट का अगर WBC बढ़ा हुआ है इसका मतलब है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो रखा है, और अगर पेशेंट का WBC बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है इन्फेक्शन हो रखा है, इन्फेक्शन हो रखा है तो आप पेशेंट का सर्जरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर उस टाइम पेशेंट का सर्जरी किया गया तो पेशेंट में इन्फेक्शन के चांसेज और भी ज़्यादा हो जाएंगे, आप जो प्रोसीजर करना चाह रहे हैं उस प्रोसीजर का फेल्योर होगा, आप जो आउटकम उसका चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, ग्राफ्ट अगर वहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं वो भी रिजेक्ट हो सकता है, और भी उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, सेप्टिक कंडीशन या सेप्टिसीमिया देखने को मिल सकता है। तो जब तक पेशेंट में WBC का काउंट बढ़ा हुआ है तब तक हम सर्जरी नहीं करेंगे, WBC का काउंट बढ़ा हुआ यहाँ पे इन्फेक्शन को डिनोट कर रहा है, इसलिए अगर एब्डोमिनल एओर्टिक वाला पेशेंट जो सर्जरी जिसका होना है उसका WBC अगर बढ़ा हुआ है तो हम डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए 4-year-old male is admitted to the unit with nephrotic syndrome. एक 4 साल का बच्चा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ में एडमिट है, ही इज एक्सट्रीमली एडिमेटस, उसको बहुत ही ज़्यादा एडिमा हो रखा है। टू डिक्रीज द डिस्कम्फर्ट एसोसिएट विद स्क्रोटल एडिमा द नर्स शुड, एडिमा की वजह से उसको स्क्रोटल एडिमा भी हो गया है तो उसके डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए नर्स क्या करेगी? अप्लाई आइस टू द स्क्रोटम, स्क्रोटम में आइस अप्लाई करेगी। दूसरा ऑप्शन है एलिवेट द स्क्रोटम ऑन ए स्मॉल पिलो, छोटे से पिल्लो पे स्क्रोटम को एलिवेट कर देगी। अप्लाई हीट टू द एब्डोमिनल एरिया, या एब्डोमिनल एरिया को हीट अप्लाई करेगी। और फोर्थ ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेट डायूरेटिक, या डायूरेटिक एडमिनिस्टर करेगी पेशेंट को। देखिए हम पेशेंट के स्क्रोटल वाले एरिया को आइस अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारे स्क्रोटल वाला एरिया में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और टेस्टिस जो है वो टेम्परेचर से बहुत ही इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए जब भी हम स्क्रोटल या टेस्टिस के टेम्परेचर की बात करेंगे तो उसको आइस और हीट दोनों ही कंडीशन से आपको अवॉइड करने की ज़रूरत रहती है, इसलिए आइस अप्लाई नहीं करेंगे। अप्लाई हीट टू द एब्डोमिनल एरिया, और एब्डोमिनल एरिया पे भी हीट अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि एब्डोमिनल एरिया में हीट अप्लाई करने से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और भी ज़्यादा अगर सर्कुलेशन वहाँ पे बढ़ेगा तो स्क्रोटल में एडिमा देखने को मिलेगा। और एडमिनिस्ट्रेट डायूरेटिक मेडिकेशन हम दे सकते हैं लेकिन डायूरेटिक मेडिकेशन से स्क्रोटल एडिमा रिजोल्व नहीं हो सकता, जनरल फ्लूड का लॉस होगा ना कि एडिमा में, जो स्क्रोटल एडिमा में जो फ्लूड है उसका लॉस होगा या वो बाहर निकलेगा, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा। हम स्क्रोटल एडिमा को रिलीव करने के लिए पेशेंट के स्क्रोटम को एक स्मॉल पिल्लो पे रख देंगे, उससे क्या होगा कि जो पेशेंट का स्क्रोटल एरिया से वेनस रिटर्न जो है वो बढ़ेगा, और वेनस रिटर्न अगर वहाँ से बढ़ रहा है या फ्लूड का लिम्फेटिक चैनल ओपन हो रहे हैं या वेनस रिटर्न और फ्लूड लिम्फ फ्लूड जो है वो वापस से मेन सर्कुलेशन की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे पेशेंट में एडिमा रिजोल्व होगा, यही हमारा अल्टीमेट पर्पज यहाँ पे है, इससे पेशेंट के हम डिस्कम्फर्ट को कम कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, टू एलिवेट द स्क्रोटम ऑन ए स्मॉल पिल्लो, स्मॉल पिल्लो पे पेशेंट के स्क्रोटम को एलिवेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नर्स इज टेकिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ एन ओबेज क्लाइंट, इफ़ द ब्लड प्रेशर कफ इज टू स्मॉल द रिजल्ट विल बी, यानी कि एक पेशेंट है जिसका नर्स BP ले रही है
और बीपी का जो कफ है, ब्लड प्रेशर कफ जो है हमारा, वो बहुत ही छोटा है, नॉर्मल रेंज से बहुत छोटा है, या नॉर्मल साइज़ जो होता है उससे बहुत छोटा है, ओबीज पेशेंट आपके पास में है, तो उससे अगर हम छोटे कफ से अगर बीपी ले रहे हैं तो क्या होगा? ये फाल्स एलिवेशन, एक एलिवेशन देखने को मिलेगा फाल्स वाला, यानी कि बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा लेकिन जो रॉन्ग रीडिंग होगी, ये फाल्स लो रीडिंग, ये ब्लड प्रेशर रीडिंग दैट इज़ करेक्ट या करेक्ट रीडिंग देखने को मिलेगी, ये सब नॉर्मल फाइंडिंग या नॉर्मल से कम फाइंडिंग देखने को मिलेगी। देखिए जब हमारे पास में बीपी कफ स्मॉल है तो हमें रीडिंग बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, यानी कि एलिवेटेड रीडिंग देखने को मिलेगी, और अगर हमारे पास में बीपी कफ लार्ज है तो हमें लो रीडिंग देखने को मिलेगी, लेकिन दोनों ही फाल्स होगी, समझे? अगर बीपी कफ आपके पास में स्मॉल है तो फाल्स एलिवेटेड रीडिंग मिलेगी, और अगर लार्ज बीपी कफ है तो लो रीडिंग मिलेगी, फाल्स लो रीडिंग। स्मॉल बीपी कफ फाल्स एलिवेटेड रीडिंग, लार्ज बीपी कफ फाल्स लो रीडिंग। तो यहाँ पे स्मॉल बीपी कफ है तो फाल्स एलिवेशन आपको देखने को मिलेगा रीडिंग में, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। फाल्स लो रीडिंग कब देखने को मिलेगी? जब बीपी कफ जो है वो बहुत ही बड़ा होगा या लार्ज होगा साइज से। ए ब्लड प्रेशर रीडिंग दैट इज़ करेक्ट, करेक्ट रीडिंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि बीपी कफ जो है बहुत ही छोटा है। ये सब नॉर्मल फाइंडिंग, नॉर्मल से कम देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे बड़ी हुई देखने को मिलेगी अगर बीपी कफ जो है उसका साइज स्मॉल है तो। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। आप ऐसे याद रखिए, स्मॉल कफ है तो फाल्स एलिवेटेड रीडिंग देखने को मिलेगी, और अगर लार्ज कफ है तो फाल्स लो रीडिंग देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइंट इज एडमिटेड विद थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड इन ऑर्डर फॉर हेपेरिन द मेडिकेशन शुड बी एडमिस्टर्ड यूजिंग। एक पेशेंट है जिसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो रखा है और उसको हेपेरिन लगना है, द मेडिकेशन शुड बी एडमिस्टर्ड यूजिंग, तो हेपेरिन को हम किस से देंगे या किस मोड से या किस कैसे मेडिसिन को या पेशेंट को देंगे? फर्स्ट ऑप्शन है ब्यूरेट्रोल, ब्यूरेट्रोल को हम बोलते हैं ब्यूरेट सेट, BURET, ब्यूरेट सेट। ब्यूरेट सेट एक 100 ml का सेट होता है जो हम पीडियाट्रिक ड्रिप सेट भी इसको बोलते हैं, पीडियाट्रिक ड्रिप सेट। इसमें क्या है कि जो हम डोज काउंट की बात करें तो 1 ml जो है वो 60 ड्रॉप्स में काउंट किया जाता है, यानी कि 1 ml में 60 ड्रॉप बनते हैं, और ये हम ऐसे पेशेंट के लिए यूज करते हैं जब हमें बहुत ही कैलकुलेटेड अमाउंट में फ्लूड किसी पेशेंट को देना है, कैलकुलेटेड अमाउंट में फ्लूड हम देते हैं बच्चों को, तो इसलिए पीडियाट्रिक ड्रिप सेट का हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, और उस पीडियाट्रिक ड्रिप सेट को या पीडियाट्रिक फ्लूड सेट को, आईवी सेट, पीडियाट्रिक आईवी सेट को ही हम ब्यूरेट सेट या ब्यूरेट्रोल बोलते हैं। तो हेपेरिन के लिए यहाँ पे आपसे बात की जा रही है, तो हेपेरिन को हम ब्यूरेट सेट से नहीं देते हैं। दूसरा ऑप्शन था ये ट्यूबरकुलिन सिरिंज, ट्यूबरकुलिन सिरिंज एक 1 ml सिरिंज जो आती है उससे हम हेपेरिन पेशेंट को देते हैं, ये ऑप्शन आपका सही होगा। तीसरा था इंट्रावेनस कंट्रोलर, इंट्रावेनस कंट्रोलर से हम हेपेरिन नहीं देंगे पेशेंट को, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वाले पेशेंट को। और चौथा था थ्री वे स्टॉप कॉक, यहाँ पे आपको थ्री वे स्टॉप कॉक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो मेडिसिन है हेपेरिन जो है वो हम, ये हेपेरिन प्रीफिल्ड कंटेनर में भी आता है, और प्रीफिल्ड कंटेनर में अगर कोई हेपेरिन आ रहा है तो प्रीफिल्ड वाले कंटेनर में हेपेरिन की हम एयर बबल्स अगर हैं, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हेपेरिन जो है वो एक प्रीफिल्ड सिरिंज में भी आता है, और अगर प्रीफिल्ड सिरिंज से आप पेशेंट को हेपेरिन दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर प्रीफिल्ड सिरिंज में एयर बबल्स प्रेजेंट है तो आप उस एयर बबल्स को या एयर को बाहर निकालेंगे नहीं, आपको बगैर निकाले ही उस एयर को रिमूव किए बगैर ही पेशेंट को इंजेक्शन देना है, अगर हेपेरिन प्रीफिल्ड सिरिंज में अवेलेबल आया है आपके पास में तो। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन में हेपेरिन की, तो हेपेरिन को हम ट्यूबरकुलिन सिरिंज की हेल्प से देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इन क्रॉनिक रीनल फेलियर, ए डाइट लो इन प्रोटीन इज ऑर्डर, द रेशनल फॉर अ लो प्रोटीन डाइट इज। एक पेशेंट है जिसको क्रॉनिक रीनल फेलियर है और पेशेंट को लो प्रोटीन डाइट के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे क्या रीजन है कि पेशेंट को लो प्रोटीन डाइट के लिए हम बोल रहे हैं? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। प्रोटीन का क्या है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो हम पेशेंट को प्रोटीन डाइट में देते हैं वो प्रोटीन अमाइनो एसिड में चेंज होता है, और अमाइनो एसिड से ही पेशेंट के ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और मेटाबॉलिक वेस्ट जो है बाकी वो बनते हैं।
और यहाँ पे पेशेंट रीनल फेलियर का है। ये रीनल फेलियर का मतलब है उसमें कि पेशेंट में पहले ही से ही ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है केराटिन है, यूरिया नाइट्रोजन है, यूरिया है, और जो बाकी के मेटाबॉलिक वेस्ट है उनका लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रीनल फेलियर हो चुका है। पेशेंट के जो रीनल है वो उसका फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, उसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम हो गई है। फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम हो जाने की वजह से उसमें जो यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन का लेवल है पेशेंट में बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और यूरिया नाइट्रोजन ये सब किन से बनता है, ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन होने से बनता है, इसलिए हम पेशेंट को किडनी फेलियर वाले पेशेंट को लो प्रोटीन डाइट देने को बोलेंगे। इसलिए ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, आपको बाकी ऑप्शन पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में ब्रेकडाउन होगा और मेटाबॉलिक वेस्ट में। और अगर ये पहले से ही रीनल फेलियर वाले पेशेंट में बढ़े हुए हैं तो उसको हम लो प्रोटीन डाइट देंगे। तो लो प्रोटीन डाइट देने का रीज़न हमारा यही है कि उसके जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और मेटाबॉलिक वेस्ट है वो पहले से ही बढ़ा हुआ है, इसलिए हम उसको लो प्रोटीन डाइट देंगे। दूसरा ऑप्शन था हाई प्रोटीन इंक्रीज द सोडियम एंड पोटेशियम लेवल, ये ऑप्शन गलत होगा, हाई प्रोटीन डाइट तो देनी ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन था हाई प्रोटीन डाइट डिक्रीज एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन, हाई प्रोटीन डाइट से एल्बुमिन प्रोडक्शन डिक्रीज़ नहीं होगा, बाकी एल्बुमिन प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हाई प्रोटीन, प्रोटीन में एल्बुमिन भी एक प्रोटीन ही है, तो हम अगर हाई प्रोटीन दे रहे हैं तो पेशेंट में एल्बुमिन का लेवल बढ़ेगा ना कि कम होगा। चौथा ऑप्शन था हमारे पास में ये हाई प्रोटीन डाइट डिप्लेट कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल हाई प्रोटीन डाइट लेने से कम नहीं होता है, इसलिए ये तीन ऑप्शन हमारे गलत होंगे और फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि हम पेशेंट को लो प्रोटीन डाइट इसलिए लेने को बोल रहे हैं क्योंकि प्रोटीन जो है वो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में और मेटाबॉलिक वेस्ट में चेंज हो जाता है और ये चीज़ें पहले से ही रीनल फेलियर वाले पेशेंट में बढ़ी हुई देखने को मिलती है, इसलिए हमें पेशेंट को लो प्रोटीन डाइट देना है, ये इसका रीज़न है लो प्रोटीन डाइट देने के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्लाइंट इज एडमिटेड टू द यूनिट आफ्टर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट विद अ टेम्परेचर ऑफ 102 डिग्री फारेनहाइट रेक्टली, द नर्स इज अवेयर दैट द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर द एलिवेटेड टेम्परेचर इज, यानी कि एक पेशेंट है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के बाद में आपके पास में एडमिट हुआ है और उसका टेम्परेचर 102 डिग्री फारेनहाइट रेक्टल टेम्परेचर है। द नर्स इज अवेयर दैट द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर द एलिवेटेड टेम्परेचर, तो नर्स को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो पेशेंट का टेम्परेचर इतना बड़ा हुआ है उसका क्या रीजन है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में है देर वॉज डैमेज टू द हाइपोथैलेमस, पेशेंट के हाइपोथैलेमस को इंजरी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हुआ है पेशेंट का, तो क्या हाइपोथैलेमस को इंजरी हो गई इसलिए पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है ही हैज़ एन इन्फेक्शन फ्रॉम द एब्रेजन टू द हेड एंड फेस, या पेशेंट को अभी एक्सीडेंट के टाइम पे एब्रेजन हो गया और एब्रेजन की वजह से पेशेंट को अभी हेड और फेस पे एब्रेजन की वजह से इन्फेक्शन हो गया है इसलिए टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। या तीसरा ऑप्शन है ही विल रिक्वायर कूलिंग ब्लैंकेट टू डिक्रीज द टेम्परेचर, या पेशेंट के टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए हमें कूलिंग ब्लैंकेट की रिक्वायरमेंट होगी। या चौथा ऑप्शन हमारा देर वॉज डैमेज टू द फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, या एक्सीडेंट की वजह से पेशेंट के फ्रंटल लोब को डैमेज हो गया है, तो आपको ऑप्शन में पता होना चाहिए कि इन्फेक्शन एब्रेजन पेशेंट को इंजरी की वजह से हो सकता है, लेकिन उस एब्रेजन में इतनी जल्दी इन्फेक्शन नहीं हो सकता और उस इतनी जल्दी इन्फेक्शन होने की वजह से पेशेंट का टेम्परेचर डायरेक्टली 102 डिग्री फारेनहाइट देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ही विल रिक्वायर ए कूलिंग ब्लैंकेट, पेशेंट का टेम्परेचर 102 डिग्री फारेनहाइट है, ये एक रीडिंग ज़्यादा है जो टेम्परेचर की नॉर्मल रीडिंग है उससे, तो उसके लिए कूलिंग ब्लैंकेट यहाँ पे उस टेम्परेचर को कम नहीं कर सकता है, कूलिंग ब्लैंकेट यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी डिक्रीज टेम्परेचर करने के लिए। और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है कि टेम्परेचर क्यों बढ़ा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन का जो ये ऑप्शन जो है ये क्वेश्चन को कंसर्न ही नहीं कर रहा है, आपसे पूछा है कि टेम्परेचर क्यों बढ़ा हुआ है और ये ऑप्शन बता रहा है कि हमें कूलिंग ब्लैंकेट पेशेंट को देना है टेम्परेचर कम करने के लिए, नहीं आपसे पूछा जा रहा है कि क्यों बढ़ा हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, ना कि कैसे कम करेंगे उसका एक्सप्लेनेशन, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। डी ऑप्शन है देयर वाज डैमेज टू द फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, कि यहाँ पे पेशेंट के एक्सीडेंट की वजह से फ्रंटल लोब को या ब्रेन की जो फ्रंटल लोब है उसको डैमेज हो गया है इसलिए पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, नहीं आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रंटल लोब है उसमें उसका काम, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है देयर वाज ए डैमेज टू द फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, फ्रंटल लोब में अगर डैमेज हो रहा है तो पेशेंट का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फ्रंटल लोब जो है वो हमारी साइको मोटर एक्टिविटी या मोटर एक्टिविटी और लैंग्वेज मोटर एक्टिविटी बिहेवियर पर्सनैलिटी इनको रेगुलेट या कंट्रोल करती है। तो फ्रंटल लोब का अगर डैमेज होता है तो पेशेंट के बिहेवियर लैंग्वेज साइकोमोटर एक्टिविटी पर्सनैलिटी और बिहेवियर इनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, ना कि टेम्परेचर में, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा।
ही विल रिक्वायर ए कूलिंग ब्लैंकेट। हमने बता दिया कि यहाँ पे कूलिंग ब्लैंकेट की आपसे ये नहीं पूछा गया कि क्यों कैसे का टेम्परेचर को कम करेंगे, यहाँ पे पूछा गया है कि टेम्परेचर एक बढ़ा हुआ है तो उसका क्या रीज़न है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। ही एज एन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन इतनी जल्दी पेशेंट का इन्फेक्शन नहीं होगा कि पेशेंट डायरेक्ट एक्सीडेंट हुआ और एब्रेजन हुआ और इन्फेक्शन हो गया, वो आपके पास में पेशेंट अभी आया है तो उसका टेम्परेचर 102 डिग्री बढ़ा हुआ है तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। देयर वाज डैमेज टू द हाइपोथैलेमस, आपको पता होना चाहिए हाइपोथैलेमस जो है वो हमारी बॉडी में रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, लेकिन अगर इंजरी के टाइम पे हाइपोथैलेमस को इंजरी हो गई है तो इसका मतलब है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन का काम है वो अल्टर हो गया है, इसलिए यहाँ पे पेशेंट में बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा और ए ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की वजह से पेशेंट को हाइपोथैलेमस इंजरी हुई है और हाइपोथैलेमस इंजरी की वजह से पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट फॉलोइंग ए CVA सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट, विच पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट स्मेल एंड हियरिंग। एक पेशेंट है जिसका स्ट्रोक हो गया है और स्ट्रोक के बाद में विच पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट स्मेल एंड हियरिंग, आपसे पूछा गया है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट टेस्ट स्मेल और हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। देखिए ऑक्सीपिटल लोब जो है या ब्रेन सेरिब्रम जो है उसमें ऑक्सीपिटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, फ्रंटल लोब बिहेवियर पर्सनैलिटी लैंग्वेज और मोटर एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, और टेम्पोरल लोब जो है टेम्पोरल लोब की अगर बात की जाए तो ये हमारे स्मेल टेस्ट हियरिंग इनके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। पैराइटल लोब की अगर बात की जाए तो पैराइटल लोब जो है वो टच प्रेशर और पेन इनके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। हमारा सेरेब्रम वाला जो एरिया है उसमें हम लोब के हिसाब से ब्रेन के फंक्शन को डिवाइड किए करते हैं। ऑक्सीपिटल लोब जो हमारी है जो ऑक्सीपिटल बोन वाले एरिया में यानी कि पीछे वाली साइड में है वो हमारे विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, फ्रंटल लोब है वो बिहेवियर पर्सनैलिटी लैंग्वेज और मोटर एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, टेम्पोरल लोब जो है वो स्मेल टेम्पोरल लोब में या सेरेब्रम के टेम्पोरल वाले लोब एरिया में जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं ब्रेन के फंक्शन को कंट्रोल करने वाले उनमें हम स्मेल टेस्ट और हियरिंग का सेंसेशन हमें मिलता है, और पैराइटल लोब की अगर बात की जाए तो पैराइटल में टच प्रेशर और पेन इनके सेंसेस हमें फील होते हैं या इंटरप्रिटेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था कि विच पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट स्मेल एंड हियरिंग, टेस्ट स्मेल और हियरिंग के लिए कौन सा है, स्मेल टेस्ट एंड हियरिंग के लिए हमारे पास में ब्रेन के टेम्पोरल लोब वाले एरिया में जो ब्रेन है या टेम्पोरल लोब जो है ब्रेन की सेरेब्रम की वो रेस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक 20-year-old क्लाइंट एडमिटेड टू द रिहैबिलिटेशन यूनिट फॉलोइंग ए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, विच वुड बी अप्रोप्रिएट मेथड फॉर मेजरिंग द क्लाइंट फॉर क्रच। एक पेशेंट है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ था 20-year-old है रिहैबिलिटेशन यूनिट में भी आपके पास में आया है, विच वुड बी अप्रोप्रिएट मेथड फॉर मेजरिंग द क्लाइंट फॉर क्रच। रिहैबिलिटेशन यूनिट में पेशेंट आया है, पेशेंट को कुछ ऐसा डिसेबिलिटी हो गया है कि पेशेंट चल नहीं सकता, अभी उसको क्रच की हेल्प जरूर होगी चलने के लिए, तो अभी हम आप पेशेंट का क्रच मेजर करेंगे तो हमें क्रच मेजर करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड हमारे लिए सबसे सही है या कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। मेजरिंग फाइव फिंगर ब्रीड्थ अंडर द एक्जिला, पेशेंट के एक्जिला से हम फाइव फिंगर ब्रीड्थ पांच फिंगर जितनी चौड़ाई के नीचे से मेजर करेंगे, या दूसरा ऑप्शन है मेजरिंग 3 inch अंडर द एक्जिला, एक्जिला के 3 inch अंडर से मेजर करेंगे, या मेजरिंग द क्लाइंट विद एल्बो फ्लक्स 10 degree, या जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तब पेशेंट के एल्बो को 10 degree 10 degree पे फ्लक्स करा के तब मेजर करेंगे, या मेजरिंग द क्लाइंट विद क्रच 20 inch फ्रॉम द साइड ऑफ द फुट, या पेशेंट के साइड फुट के साइड से 20 inch दूर पर के लेवल पे हम क्रच रखते हैं और वहाँ से फिर मेजरिंग करेंगे। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है कि क्रच को मेजरमेंट करने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट या सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए जब हम क्रच के लिए मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम मेजरिंग फाइव फिंगर ब्रीड अंडर द एक्जिला, एक्जिला के नीचे से फाइव फिंगर ब्रीड पांच उंगली जितनी चौड़ाई के नीचे से मेजर करेंगे, नहीं, क्योंकि अगर पांच फिंगर नीचे से मेजर करेंगे तो इसका मतलब है कि आपका क्रच जो है वो छोटा हो गया है, आपको पांच फिंगर जितना चौड़ाई नीचे से मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। मेजरिंग 3 inches अंडर द एक्जिला, हाँ एक्जिला के अंडर से 3 inches एटलीस्ट 3 inches नीचे से मेजर करेंगे, ये ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि क्रच जो है वो पेशेंट के
सुपाइन लेवल में अगर हम पेशेंट की बात करें तो अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो, और जब हम उसका मेजर कराएं तो पेशेंट के एक्जिला से 3 इंचेस का लेवल हम छोड़ देंगे और उसके बाद से नीचे से तक हम मेजर करेंगे। इससे क्या है कि पेशेंट का और जो क्रच हम जो बना रहे हैं वो, और पेशेंट को क्रच वॉकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए हम करेक्ट मेजरमेंट कर पाएंगे। तीसरा ऑप्शन था मेजरिंग द क्लाइंट विद एल्बो फ्लेक्स 10 डिग्री। हाँ, एल्बो फ्लेक्स होना चाहिए पेशेंट का, ऐसा बनाएंगे क्रच को हम, लेकिन नॉट 10 डिग्री, इट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 35 डिग्री और 20 to 35 डिग्री। पेशेंट का एल्बो फ्लेक्स होना चाहिए लेकिन 10 डिग्री नहीं, कम से कम 20 से 35 डिग्री या 35 डिग्री एटलीस्ट, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो 35 डिग्री फ्लेक्शन होना चाहिए, ना कि 10 डिग्री। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। मेजरिंग द क्लाइंट विथ क्रच 20 इंचज़ फ्रॉम द साइड ऑफ द फुट, यानी कि पेशेंट के पैर से 20 इंचज़ दूर से हम क्रच का मेजरमेंट नहीं करेंगे, हम पेशेंट के फुट लेवल से या फुट से साइड से मेजर करेंगे, लेकिन 20 इंचज़ नहीं, ओनली 6 इंचज़। जब भी हम क्रच का मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें क्रच के मेजरमेंट के टाइम एक्जिला लेवल से 3 इंचज़ कम कर देना है और फिर हम क्रच की लंबाई मेजर करेंगे। और जब भी हम साइड पैर के साइड से बात कर रहे हैं तो पैर के साइड से 20 इंचज़ नहीं, हमें सिर्फ 6 इंचज़ दूर मेजर करेंगे और उसको एक्जिला के जो बार हैं उसको हम पैडेड कर देंगे। और जो एल्बो फ्लेक्सड है, एल्बो फ्लेक्शन इस तरह से मेंटेन होना चाहिए पेशेंट का मेजरिंग के लिए कि एटलीस्ट 35 डिग्री या 20 to 35 डिग्री एल्बो उसकी फ्लेक्स हो। इसलिए डी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि हम 20 इंचज़ दूर से मेजर नहीं करेंगे, मात्र 6 इंचज़ दूर से ही मेजर करेंगे, कि पेशेंट के पैर के साइड में जो हमारा, ये मान लीजिए पेशेंट का पैर है और हमारा जो क्रच है वो क्रच इस तरह से आए कि पेशेंट के पैर और क्रच के बीच में 6 इंचज़ का दूरी हो, ना कि 20 का। इसलिए डी ऑप्शन भी गलत होगा और बी इज़ द करेक्ट आंसर, मेजरिंग 3 इंचज़ अंडर द एक्जिला, एक्जिला के 3 इंच अंडर से मेजर करेंगे टू गेट द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द क्रच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नर्स इज डूइंग बाउल एंड ब्लैडर रिट्रेनिंग फॉर द क्लाइंट विद पैराप्लेजिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर फॉर द नर्स टू कंसिडर। एक पेशेंट है जिसको पैराप्लेजिया यानी कि लोअर लिम्स का पैरालिसिस हो गया है और नर्स उसको बाउल और ब्लैडर फंक्शंस करा रही है, रिट्रेन करा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर फॉर द नर्स टू कंसिडर, नर्स के लिए इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसको कंसिडर, ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, डायट्री पैटर्न, मोबिलिटी, फ्लूड इनटेक और सेक्सुअल फंक्शन। देखिए, आपको बताना चाहिए बाउल और ब्लैडर यानी कि एलिमिनेशन और यूरिनरी एलिमिनेशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो डायट्री पैटर्न जो है, पेशेंट ने क्या खाया है वो हमारे बाउल एलिमिनेशन से रिलेटेड है, इसलिए डायट्री कंसर्न जो है, डायट्री पैटर्न है पेशेंट का, क्या डाइट ने पेशेंट ने हाई फाइबर डाइट लिया है, लो फाइबर डाइट लिया है, या ऐसा डाइट लिया है जो फीसेस के बल्क को बढ़ाएगा, या लो डाइट है हाई कंटेनिंग, या हाई डाइट है न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी कम है या बढ़ी हुई है। ये सब डाइटरी पैटर्न जब भी हम बाउल एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं या पेशेंट के एलिमिनेशन नीड की बात कर रहे हैं तो उसमें हम पेशेंट के डाइटरी कंसर्न को या डाइटरी पैटर्न को बिल्कुल से ज़रूर कंसर्न करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा गया है नॉट ए फैक्टर फॉर कंसर्न, यानी कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसको आप नर्स ध्यान नहीं देगी। डाइटरी पैटर्न का ध्यान रखना हमें ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम बाउल एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं तो हमें डाइटरी पैटर्न का पेशेंट का पता होना चाहिए, इसलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा है मोबिलिटी, मोबिलिटी यानी कि पेशेंट का कितना वॉकिंग है, कितना मोबिलिटी पेशेंट कर रहा है, कितना पेशेंट मोबाइल है, ये भी हमारे बाउल और ब्लैडर फंक्शन से रिलेटेड है। जब पेशेंट, मान लीजिए कोई पेशेंट है ऐसा जो ज़्यादा टाइम तक बेड पे ही है, तो उसका क्या है कि लेवल ऑफ एनर्जी या लैक ऑफ एनर्जी की वजह से पेशेंट का जो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा नहीं होगा और पेशेंट का जो एलिमिनेशन की प्रॉब्लम है, बाउल एलिमिनेशन जो है, बाउल एम्प्टी करने का प्रोसेस है, वो डिले हो जाएगा और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस इमोबाइल पेशेंट को जैसे रहते हैं उस वजह से। तो जब भी नर्स बाउल और ब्लैडर ट्रेनिंग पेशेंट को करा रही है तो वहाँ पे पेशेंट की मोबिलिटी को भी ध्यान में रखा जाएगा कि पेशेंट मोबाइल है या नहीं है। तीसरा था फ्लूड इनटेक, फ्लूड इनटेक अगर पेशेंट का ज़्यादा होगा तो पेशेंट को ब्लैडर एम्प्टी बार बार होगा और फ्लूड का लेवल, फ्लूड इनटेक पेशेंट का कम है तो ब्लैडर पेशेंट या पेशेंट को बार बार यूरिनेशन नहीं होगा। इसलिए जब भी हम ब्लैडर और बाउल एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें हम पेशेंट के डायट्री पैटर्न, पेशेंट का मोबिलिटी, पेशेंट के फ्लूड इंटेक को कंसिडर करेंगे। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस पार्ट को कंसिडर नहीं करेंगे, तो पार्ट को हम कौन से को, सेक्सुअल फंक्शन को कंसिडर यहाँ पर नहीं करेंगे, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही होगा। सेक्सुअल फंक्शन यहाँ पर पेशेंट के बाउल और ब्लैडर को एम्प्टी या उसके ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं है, इसलिए सेक्सुअल फंक्शन यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये एक कंसर्निंग फैक्टर या कंसिडर किया जाए ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो कि बाउल और ब्लडर ट्रेनिंग में, बाउल और ब्लडर एलिमिनेशन में हेल्पफुल हो। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
द क्लाइंट रिटर्न टू द रिकवरी रूम फॉलोइंग रिपेयर ऑफ एन इंट्राथोरेसिक एनोरिज्म विच फाइंडिंग वुड रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। एक पेशेंट है जिसका इंट्राथोरेसिक एनोरिज्म था, उसका सर्जरी हो गया है और अभी पोस्ट ऑप में यानी कि रिकवरी रूम में पेशेंट अभी आया है पोस्ट ऑप में। विच फाइंडिंग वुड रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, इनमें से कौन सी फाइंडिंग है जो ये करेगी कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है या कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? विच फाइंडिंग वुड रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, या पेशेंट को दोबारा से कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है पेशेंट में। क्या है? पैडल पल्स बाउंडिंग एंड रेगुलर। जब एओर्टिक इंट्राथोरेसिक एनोरिज्म पेशेंट का था वो सही हो गया है, तो नीचे की जो पल्सेज हैं यानी कि जो पैडल पल्स या लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में जो पल्स है, पेशेंट की बाउंडिंग यानी कि वहाँ पे ब्लड की सप्लाई अच्छी हो रही है, रेगुलर यानी कि नॉर्मल रेट और रिदम में चल रही है, तो फ्लूड भी सही है। बाउंडिंग तभी तो होगी जब पेशेंट का फ्लूड ज़्यादा रहेगा या फ्लूड लेवल नॉर्मल है। अगर कम हो जाएगी तो बाउंडिंग पल्स देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर बाउंडिंग पल्स है और रेगुलर है, इसका मतलब ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है, और नॉर्मल फाइंडिंग को हम दोबारा से इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। यहाँ पे पूछा गया फर्दर इन्वेस्टिगेट। फर्दर इन्वेस्टिगेट मतलब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है किस चीज़ को लेकर के। नॉर्मल और बाउंडिंग पल्स, रेगुलर बाउंडिंग पल्स है तो ये नॉर्मल है, इसको हम ध्यान नहीं देंगे। ब्लड प्रेशर 108/50, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर 108/50 है तो ये भी नॉर्मल में आएगा, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को अपने रिकवरी में आया है पेशेंट अभी। एनेस्थीसिया के इफेक्ट हो सकते हैं और पेशेंट को डायस्टोलिक बीपी थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। पेशेंट का बीपी बढ़ सकता है यहाँ पे। ऑक्सीजन सेचुरेशन 97% है, 97% एडल्ट पेशेंट में 96 से 100% जो है नॉर्मल SpO2 या ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल होता है, तो ये भी एक नॉर्मल फाइंडिंग है। बीपी भी नॉर्मल फाइंडिंग है। पैडल पल्स अगर पेशेंट में बाउंडिंग और रेगुलर है तो ये भी एक नॉर्मल फाइंडिंग है। तो इसलिए ये हमारे तीनों ऑप्शन इसके आंसर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, कौन सी एक नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है। नॉर्मल फाइंडिंग यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा इसलिए क्योंकि यूरिनरी आउटपुट 20 ml इन द पास्ट आवर, यानी कि एक घंटे में पेशेंट को 20 ml यूरिन आउटपुट हुआ है। 20 ml यूरिन आउटपुट अगर एक घंटे में हो रहा है तो इसका मतलब है कि इंट्राथेरोसिक, आपने थेरोसिक एरिया में पेशेंट का सर्जरी किया था। अब थेरोसिक एरिया से ही नीचे ही आओर्टा आती है हमारी, उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल आओर्टा, और एब्डोमिनल आओर्टा से ही जो ब्लड की सप्लाई है वो नीचे वाले ऑर्गन्स में लाइक किडनी वाले एरिया में होती है। और पेशेंट में अगर ब्लड अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब ब्लड फिल्टर भी नहीं हो रहा है। ब्लड फिल्टर अगर किडनी में सही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट में यूरिन आउटपुट भी कम होगा, और यूरिन आउटपुट अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पेशेंट के किडनी को ब्लड की सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हुई है। किस वजह से हुई है? क्योंकि पेशेंट का इंट्राथोरेसिक एनोरिज्म की सर्जरी हुई है। वो सर्जरी या तो कॉम्प्लिकेटेड हो गई है यानी कि फेल हो गई है, जो आपने ग्राफ्ट लगाया है या जो क्लोजर किया है वो क्लोजर सही नहीं हुआ है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, इस वजह से पेशेंट में ब्लड की सप्लाई, पेशेंट के किडनी में ब्लड की सप्लाई कम हुई है, और कम सप्लाई होने की वजह से ब्लड का फिल्ट्रेशन कम हुआ है, इसलिए पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम हुआ है। तो 20 ml यूरिन आउटपुट अगर पेशेंट का है तो इसका मतलब है कि एक घंटे में 20 ml यूरिन आउटपुट एक कम आउटपुट है, इसलिए यहाँ पे हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। हम दूसरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि सर्जरी हमारी सही रही है या नहीं रही है। हम नॉर्मल यूरिन आउटपुट की अगर एक घंटे में बात करें तो अगर एक घंटे में यूरिन आउटपुट 30 ml है तो इसको हम एक नॉर्मल लिमिट समझते हैं। अगर एक घंटे में 30 ml यूरिन आउटपुट है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल यूरिन आउटपुट है, इसको हम कोई भी कॉम्प्लिकेशन से रिलेट नहीं करेंगे। अगर 30 ml से कम यूरिन आउटपुट पेशेंट में देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ किडनी में प्रॉब्लम हुई है, चाहे वो ब्लड सप्लाई को लेकर के हो या ऑब्स्ट्रक्शन को लेकर के हो। इसलिए जब भी पेशेंट का 20 ml यूरिन आउटपुट है या 30 से कम है तो उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किस रीजन से ये हो सकता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नर्स इज टीचिंग द क्लाइंट रिगार्डिंग यूज ऑफ सोडियम वारफेरिन, विच स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट वुड रिक्वायर फर्दर टीचिंग। एक पेशेंट है जिसको सोडियम वारफेरिन चल रहा है, विच स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट वुड रिक्वायर फर्दर टीचिंग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पेशेंट के द्वारा किया गया है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को अच्छे से समझ में नहीं आया है और उसको दोबारा से टीच कराना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन है आई विल हैव ब्लड ड्रॉन एवरी मंथ, मुझे अपना ब्लड हमेशा हर महीने देना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा टेस्ट के लिए। आई विल असेस माई स्किन फॉर रेसेज, मैं अपनी स्किन को बार बार रेसेज के लिए असेस करता रहूँगा। आई टेक एस्पिरिन फॉर ए हेडेक, क्या मैं अपने एस्पिरिन मेडिसिन हेडेक के लिए ले सकता हूँ। आई विल यूज़ एन इलेक्ट्रिक रेजर टू सेव, या मैं सेव करने के लिए इलेक्ट्रिक रेजर का यूज़ करूँगा। तो इनमें से पेशेंट कुछ ना कुछ गलत बोल रहा है, उस गलत ऑप्शन कौन सा है वो उसको आपको चूज करना है कि पेशेंट ने ये बात गलत बोली है, वही आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन था आई विल हैव ब्लड ड्रॉन एवरी मंथ, पेशेंट को हर महीने ब्लड सैंपल देना पड़ेगा अपना PTINR प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक कराने के लिए, क्योंकि इसी के लेवल से ही प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या आ रहा है पेशेंट का, इसका क्या लेव वैल्यू आ रहा है, उसी से हम सोडियम वारफेरिन मेडिकेशन को, सोडियम वारफेरिन जो है वो एक
एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन है। तो इस पेराथ्रोमिन टाइप या पीटी के लेवल से ही हम पेशेंट के मेडिसिन को रिलेट करते हैं। पीटी के मेडिसिन हमें पीटी का क्या वैल्यू आया है उसी से हम पेशेंट की मेडिसिन को कंटिन्यू रखना है या डिसकंटिन्यू कर देना, ये हम मैनेज करेंगे। इसलिए पेशेंट का हर महीने एक ब्लड सैंपल पीटी के लिए किया जाएगा। तो ये एक नॉर्मल है। और आपसे पूछा गया था कि विच स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट वुड रिक्वायर फर्दर टीचिंग, इनमें से कोई ना कोई सा एक गलत स्टेटमेंट है जो पेशेंट बोल रहा है और वही आपका सही आंसर होगा। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो करना ही पड़ेगा पीटी का लेवल चेक करने के लिए और पेशेंट मेडिसिन का डिसकंटिन्यू करना है या नहीं करना है इसके लिए। आई विल असेस माई स्किन फॉर ए रेसेज, यानी कि पेशेंट को अपने रेसेज चेक करना है स्किन में, क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पे इसलिए गलत होगा क्योंकि स्किन रेसेज यहाँ पे आपकी पेशेंट वारफेरिन ले रहा है, एंटीकोगुलेंट थेरेपी ले रहा है, यानी कि पेशेंट का ब्लड बहुत ही पतला हो गया है, पतला होने की वजह से कैपिलरीज में से भी क्रॉस कर जाएगा और क्रॉस कर जाएगा तो पेशेंट की स्किन में ब्लड रेसेज, ब्लड की वजह से रेड रेसेस देखने को मिलेंगे। अगर रेड रेसेस पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं इसका मतलब है कि पेशेंट में वारफेरिन मेडिसिन का लेवल बढ़ गया है और बढ़ा हुआ लेवल है, इसलिए पेशेंट कहीं बढ़ ना जाए इस मेडिसिन का लेवल, इसलिए पेशेंट अपने स्किन को बार बार रेसेस के लिए चेक करता रहेगा। ये ऑप्शन भी इसलिए यहाँ पर गलत होगा क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसको चेक करना ही है। आई टेक एस्पिरिन फॉर ए हेडेक, पेशेंट यहाँ पे एस्पिरिन मेडिसिन लेने की बात कर रहा है हेडेक के लिए। एस्पिरिन आपको पता होना चाहिए, एस्पिरिन जो मेडिसिन है वो एक एंटी प्लेटलेट्स मेडिसिन है, यानी कि प्लेटलेट्स के इकट्ठा होने को प्लेटलेट्स के इकट्ठा नहीं होने देती है, यानी कि प्लेटलेट्स जो है हमारे ब्लड के क्लोट होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ब्लीडिंग नहीं होने देती है। और अगर एंटी प्लेटलेट पेशेंट मेडिसिन ले रहा है, एस्पिरिन इज ए एंटी प्लेटलेट मेडिसिन, एंटी प्लेटलेट ले रहा है और उसके साथ में एंटीकोगुलेंट वारफेरिन भी पेशेंट को चल रहा है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट में ब्लीडिंग होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें पेशेंट को बोलना है कि वो एंटी प्लेटलेट मेडिसिन लाइक एस्पिरिन कभी भी ब्लड थिनर के साथ में यूज़ नहीं करे, लाइक हेपेरिन और वारफेरिन। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा क्योंकि पेशेंट ने ये बात गलत बोली है कि मैं अपने हेडेक के लिए एस्पिरिन ले लूँगा। 14वां ऑप्शन था आई विल यूज़ एन इलेक्ट्रिक रेजर टू सेव, हाँ पेशेंट इलेक्ट्रिक रेजर का यूज़ कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक रेजर को सेव करने के लिए इससे पेशेंट में कट होने के या एब्रेजन होने के चांसेस कम रहते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा और सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वारफेरिन वाले पेशेंट के साथ में या वारफेरिन जिस पेशेंट को चल रहा है, हेपेरिन जिस पेशेंट को चल रहा है, उस पेशेंट को हम दूसरी तरह की मेडिसिन लाइक एंटी प्लेटलेट्स मेडिसिन लेने के लिए मना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए क्लाइंट विद फीमोरल पोपलेटल बाईपास ग्राफ्ट इज असाइन टू ए सेमी प्राइवेट रूम, द मोस्ट सुटेबल रूममेट फॉर द क्लाइंट इज क्लाइंट विद, ये एक पेशेंट है जिसका फीमोरल पोपलेटल बाईपास ग्राफ्ट हुआ है और उसको सेमी प्राइवेट रूम मिला, यानी कि एक पेशेंट एक रूम है उसमें हम दो पेशेंट रख सकते हैं। तो इस पेशेंट के साथ में जिसका ये बाईपास पोपलेटल बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी हुआ है, इसके साथ में हम इनमें से किस पेशेंट को रख सकते हैं, ऑप्शन में से कौन से पेशेंट को रख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोथायरॉयडिज्म, या जिस पेशेंट का T3 और T4 का लेवल कम है, ऐसे पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, उस पेशेंट को क्या इस वाले पेशेंट इस सर्जरी वाले पेशेंट के साथ रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है डायबिटिक अल्सर, तीसरा है अल्सरेटिव कोलाइटिस, चौथा है न्यूमोनिया। देखिए T3 T4 का लेवल अगर पेशेंट में कम है तो इस तरह के पेशेंट में लैक ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी की कमी देखने को मिलेगी, पेशेंट जो है स्लीपी रहेगा, मोटिवेशन उसमें कम होगा, नॉन वर्किंग होगा, यानी कि काम करने की उसकी कोई आदत या इच्छा नहीं रहेगी, उसमें एनर्जी की कमी रहेगी। तो इस पेशेंट को हम इस सर्जरी वाले पेशेंट के साथ में रख सकते हैं क्योंकि ये पेशेंट लैक ऑफ एनर्जी, स्लीपी रहेगा, ड्राउजी रहेगा और कुछ भी डिस्टर्बेंस इस सर्जरी वाले पेशेंट को नहीं करेगा। तो ये एक पेशेंट जो है वो इस वाले पेशेंट के साथ में इनका अच्छा कॉम्बिनेशन इसलिए बैठेगा क्योंकि जो पोस्ट ऑप वाला पेशेंट आपका जिसका सर्जरी हो गया है, ये पेशेंट हाइपोथायरॉइड वाला पेशेंट इस सर्जरी वाले पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा और पेशेंट का डिस्कम्फर्ट को बढ़ेगा नहीं। दूसरा ऑप्शन था डायबिटिक अल्सर, डायबिटिक अल्सर वाले पेशेंट में जो अल्सर है उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं और अगर इस पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया तो फीमोरल पोपलेटल बाईपास ग्राफ्ट वाले पेशेंट में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे और अगर ग्राफ्ट साइट में इन्फेक्शन हो गया तो इसका मतलब है कि आपकी सर्जरी ही पूरी की पूरी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, सर्जरी आपकी कैंसिल हो जाएगी, यानी कि रिजेक्ट हो जाएगी, सर्जरी आपकी फेल हो जाएगी। इसलिए इस डायबिटिक अल्सर वाले पेशेंट को हम फीमोरल पोपलेटल बाईपास ग्राफ्ट वाले पेशेंट के साथ नहीं रखते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट में भी अल्टरनेटली डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा और डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की वजह से वहाँ पे पेशेंट को पोपलेटल बाईपास ग्राफ्ट वाले पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, इसलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट को भी हम इस पेशेंट के बाईपास ग्राफ्ट वाले पेशेंट के साथ में नहीं रखेंगे। न्यूमोनिया वाले पेशेंट में भी लंग्स का इन्फेक्शन होता है, इसलिए इस पेशेंट को भी हम
बाईपास ग्राफ्ट वाले पेशेंट के साथ में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये तीनों ही पेशेंट डायबिटीज अल्सर, डायबिटिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस और नमोनिया वाले पेशेंट जो हैं, ये तीनों ही बाईपास ग्राफ्ट वाले जो उस पेशेंट सर्जरी वाला है आपका, उसको इन्फेक्शन दे सकते हैं। इसलिए इन तीनों पेशेंट को हम इस पेशेंट के साथ में रूममेट के रूप में नहीं रख सकते हैं, और हाइपोथायरॉयडिज्म वाले को हम यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट जो है वो पोस्ट ऑप पेशेंट जो हमारे पास बाईपास ग्राफ्ट वाला है उसको कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं करेगा, और हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को इन्फेक्शन भी नहीं रहता है, इसलिए ये पेशेंट हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा, और ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहीं आज हमारा अपना सेशन ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।